विद्युत कर्मचारी मोर्चा संगठन की समीक्षा बैठक में 42वें अधिवेशन का ऐलान। विद्युत कर्मचारी मोर्चा संगठन के अध्यक्ष चंद्र प्रकाश अवस्थी ने पत्रकारों से वार्ता के दौरान बताया कि दिनांक 7-8 अप्रैल 2021 को 42वां अधिवेशन लखनऊ रविंद्रालय में किया जाएगा। उन्होंने बताया कोविड-19 के तहत यह 42वां अधिवेशन होगा। इस कार्यक्रम का उद्घाटन स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, मुख्य अतिथि श्रीकांत शर्मा ऊर्जा मंत्री, प्रमुख अतिथि एम देवराज अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन, ब्रिजेश पाठक ग्रामीण व न्याय मंत्री भगवत प्रसाद मकवाना निर्देशक NHPC भारत सरकार के द्वारा किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्य मुद्दा होगा नंबर 1 विधवाओं को पेंशन व नौकरी दिलाना। निजीकरण पर समीक्षा बैठक, बेरोजगार युवकों को नौकरी दिलाना। विद्युत विभाग में 2,45,000 रिक्त पद है जिनको तुरंत बेरोजगारों को भर्ती किया जाए। बिजली चोरी निवारण ऐसे मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। इस पर सहमति बनी हुई है। एक नोशनल एग्रीमेंट जो आमेलन सम्मेलन हुआ कार्यालय साहब 3rd का और 2nd का, उस पर सहमति बनी हुई है। एक जो भी प्रमुख महामंत्री जी कह रहे थे कि आमेलन की बनी हुई है, उस पर सहमति बनी है। कुछ लोगों को डिस्कॉम UPPCL के 4 डिस्कॉमों में पूर्वांचल वाले को पश्चिमांचल भेज दिया गया, पश्चिमांचल वाले को पूर्वांचल भेज दिया गया, उनका आमेलन हो गया। क्योंकि डिस्कॉम ही इतना बड़ा है, उसका एरिया इतना बड़ा है भौगोलिक ज्योग्राफिक कि उसमें उसको कहीं भी नौकरी कर सकते हैं। इस पर सहमति बनी हुई है। इन तमाम बिंदुओं को लेकर इस बार यह वर्ष हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है। कोरोना के साथ साथ 42वां वर्ष है, अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसमें हम लोग अब की बार नए जोश के साथ, जैसे अभी माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हम 2,49,000 हमें भर्ती बढ़वानी है। इस बिजली विभाग में इतने पद रिक्त हैं, आज बिजली विभाग में इतने ही पद रिक्त हैं जो संविदा पे लोग काम कर रहे हैं। जैसा भी भाई साहब ने पूछा संविदा के बारे में, यदि वो विभाग से सीधा संपर्क में रहेगा तो बिचौलियों की जो भूमिका है उसको समाप्त कराने के लिए अध्यक्ष जी ने संकल्प लिया है कि सीधे विभाग से इन संविदा कर्मियों का भुगतान, इनका दायित्व विभाग के द्वारा ही निर्धारित आपकी जो ये उसको लेने के लिए हमें क्या करना, किस तरीके से सरकार और प्रबंधन से हमें लड़ना और वो आपके से संभव नहीं। अगले कदम की सूचना एक हफ्ते जिस दिन होगा उसके एक हफ्ते पहले हम आप लोगों को सूचित करेंगे। इसलिए सूचित करेंगे कि जिसमें सरकार हमारे उस कदम को काम